आराधना मिश्रा कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। आराधना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल वॉइस में। इस वक्त लगातार हम खबर दिखा रहे हैं जहां पर प्रियंका गांधी, जो ताज़ा अपडेट इस वक्त है, और आपको बता भी दें कि प्रियंका गांधी अपनी मांगों को लेकर, प्रशासन के रवैये को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं, क्या कहेंगी आप? देखिए, जिस गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से प्रियंका गांधी जी को सोनभद्र जाने से रोका गया, इससे एक चीज तो स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो प्रशासन है, सरकार है, वो इस पूरे मामले को दबाने की, छिपाने की कोशिश कर रही है। 10 लोगों का नरसंहार हो जाता है। क्या दबाना चाहते हैं, आपको क्या लगता है क्या दबाने की कोशिश सरकार कर रही है? 10 लोगों का नरसंहार होता है, क्या ये बिना प्रशासन की, बिना शासन की साठगांठ की हुआ होगा? इतना बड़ा नरसंहार होता है, वहां पे कोई पुलिस, आधे घंटे से ज्यादा लोगों को पहले लाठियों से पीटा जाता है, फिर वहां गोलियां चलती हैं, आधे घंटे से ऊपर पुलिस प्रशासन वहां पे नहीं पहुंचता है। क्या वजह थी, क्या पुलिस को, क्या प्रशासन को, जो इतने दिन से ये मामला चल रहा था, पिछले कई दिनों से, क्या ये पुलिस प्रशासन वहां नहीं जानता था कि वहां पे इस तरह की घटना घट सकती है? कैसे वहां 300-400 लोग ट्रैक्टर पे लटकर एक दूरी से वहां तक पहुंचते हैं, किस तरह से आदिवासियों को ब्रूटली मारा जाता है, नरसंहार किया जाता है 10 लोगों का, लगभग 50 से ऊपर लोग घायल हैं जो अस्पताल में हैं, आखिर ये सब क्या बिना प्रशासन की जानकारी के हो गया? हर तरह से प्रशासन फेल हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर पे पूरी तरह से ये सरकार विफल हो चुकी है, और ये डरते थे कि अगर प्रियंका गांधी वहां पहुंचेंगी तो बेनकाब हो जाएगी। राकेश त्रिपाठी, आराधना जी आपको रोकना चाहेंगे। राकेश त्रिपाठी नेता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नेशनल वॉइस पे। इस वक्त आराधना जी भी जुड़ी हुई है, कांग्रेस के नेता हमारे साथ। राकेश जी, आराधना जी साफ तौर पर प्रशासन को लेकर सवाल उठा रही है। जैसा कि घटनाक्रम पता होगा, प्रियंका गांधी इस वक्त भूख हड़ताल पर बैठ गई, एडमिनिस्ट्रेशन ने पीड़ित परिवार को मिलने नहीं दिया गया है। देखिए, कहीं भी ऐसा घटना कहीं भी होती है जहां पर लोगों में रोष होता है, आक्रोश होता है, व्यथा होती है, करुणा होती है, शोक होता है, ऐसे किसी भी स्थान पर किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ऐसी परंपरा में हमने देखा है कि हर सरकारों ने इस प्रकार के किए हैं, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश में दर्जन भर ऐसी घटनाएं हैं जहां पर किसी प्रकार की ऐसी घटना हुई है जिस जनता में आक्रोश हो और वहां पर राजनीतिक कार्यकर्ता जाते हैं तो कानून व्यवस्था। राकेश जी, घटना के बाद तो बीजेपी के नेता वहां पे पहुंच रहे थे, तब स्थिति नहीं बिगड़ रही थी? नहीं नहीं, किसी 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 भी ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता जो जाकर के वहां पर आक्रोशित कर सके, उनके पहुंचने से आक्रोश उत्पन्न हो, निश्चित तौर पर प्रशासन इसको रोकने का काम करता है। और हर घटना में ऐसा है, हम विपक्ष में भी जब रहे हैं तो हमको भी रोका गया है, हम भी वहां जाना जब भी हमने चाहा है रोका गया है। और मैं मानता हूं इसका कारण केवल एक होता है, एक तो पीड़ा में उनके आप हाथ बटाने का काम करिए, और दूसरा सरकार को इस बात के लिए सचेत करने का काम करिए। जब उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, स्वयं मुख्यमंत्री जी, इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों का निलंबन करने का काम किया गया है, एक पूरी जांच कमेटी पर बैठाई गई है, और पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है, जो आज उसमें घायल है उनका इलाज हो रहा है, और घायलों से मुआवजा तो एक अलग चीज है। लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रशासन का सबसे बड़ा फेल्योर है? धारा 144 तो लगा दी गई, लेकिन जब स्थिति को नियंत्रण में करना था, जब स्थिति हाथ से बाहर निकल रही थी, तब तो प्रशासन सो रहा था ना। देखिए, 1955 से एक जमीनी विवाद चल रहा था, और जमीनी विवाद को जिस तरह से हल किया जाना चाहिए था, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई है। देखिए, फिर यही बात सियासत होने, 1955 पे आप पहुंच गए, मसला ये है कि जब 10 लोगों की हत्या इस पूरे मामले पे हुई है, जब चीजें घटित हो रही थी, जब वो ऐसा रूप ले रही थी कि गोलियां चल रही थी और 10 लोगों की जिससे मौत हो गई थी, तो ऐसा तो नहीं कि ये प्रशासन से छुपा हुआ होगा? नहीं, देखिए, बहुत घंटों तक चलने वाला घटनाक्रम रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए, जो बहुत रिमोट एरिया है, बहुत ऐसे जगह है यहाँ पर तुरंत पुलिस, बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन का पहुंच जाना बहुत सहज संभाव्य नहीं रहा है, इस नाते कहीं ना कहीं और कुछ कमी आ रही है। आराधना जी क्या कहेंगे? राकेश जी आपको रुकना चाहेंगे, आराधना जी भी कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। आराधना जी, राकेश जी की बात से सहमत है क्या आप? मैं इसमें दो बातें कहना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस जगह प्रियंका का धारा 144 लगी थी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ राकेश जी की बात से, और जब धारा 144 लगी हो तो उसका सम्मान होना चाहिए। और मैं इनको एक बात बताना चाहती हूँ, आराधना जी कर रहे हैं, आपकी पार्टी पे निशाना साधा जा रहा है। मैं उस पे भी आ रही हूँ। जहाँ पे प्रियंका गांधी जी को रोका गया है वहाँ धारा 144 नहीं थी, वो उस जगह के काफी पहले उनको रोक दिया गया है, तो कहाँ से धारा 144 का उल्लंघन हुआ? दूसरी बात, जहाँ 1955 का जिक्र करते हैं, बहुत सारी चीजें ये अपने अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए ये पुनरावृत्ति उसकी को रोक देते हैं, बता देते हैं कि उनकी जिम्मेदारी। मैं सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ
कि 1955 से लेके आज तक क्या वहाँ पे नरसंहार हुआ था, क्या 10 लोग वहाँ पे मारे गए थे? जितनी भी सरकारें आई हैं, दर्जनों मामले इसमें लिटिगेशन फाइल हुए हैं, वहाँ पे नियंत्रण में रखी स्थिति को, जितनी भी सरकारें आई इनके में सरकार यहाँ पे कोई भी घटना नहीं नहीं कोई भी, मैं इनके आरोप सारे सुन करके उसके बाद जवाब देता हूँ। मैं मुझे लगता है कि अगर दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो दर्शकों को समझ में नहीं आएगा और वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी। आराधना जी अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद मैं अपनी बात समझ में आ रहा है क्या कुछ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज तक 1955 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार उत्तर प्रदेश में रही, अन्य पार्टियों की भी रही, पर स्थिति नियंत्रण में रही। और मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये जो लैंड जिसका डिस्प्यूट है ये ट्रांसफर हुई है 2017 में, झगड़ा तब से शुरू हुआ है। और 2017 में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वर्तमान मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। तो 2017 में असली लड़ाई तो 2017 के बाद शुरू हुई। कैसे लैंड ट्रांसफर हो गई, कैसे बेदखल कर दिया गया उन आदिवासियों को जमीन से, ये जांच का विषय है। क्यों नहीं ये संज्ञान में आया? राकेश जी का जवाब सुन लेते हैं। राकेश जी, आप राधा जी कह रहे 2017 की लड़ाई थी, आप 1955 में लेके चले गए। देखिए, दीवानी और फौजदारी के दर्जन भर मुकदमे इस जमीन के मसले को लेकर के अलग अलग समय पर अलग अलग वर्षों में दाखिल हुए हैं, जो अब के इंतजार में है। निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ प्रशासनिक कमियां जरूर रही हैं और इसी वजह से एसडीएम घोरावल को, एसडीओ घोरावल को और इंस्पेक्टर घोरावल समेत तमाम अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को निलंबित करने का काम किया गया है और एक व्यापक जांच इसमें बैठाई गई है, जिन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी होगी। ये कार्रवाई से आप संतुष्ट है? ये तो नीचे की जमात के लोगों को सस्पेंड किया गया, ये तो एक तरह की खाने पूर्ति लग रही है। इतनी बड़ी घटना हो जाना, 10 लोगों की मौत हो जाना, सीओ और जो है को सस्पेंड कर देना, ये कोई बहुत बड़ी कार्रवाई तो है ना इस मसले पर? आप विश्वास मानिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार खानापूर्ति में विश्वास नहीं रखती है। हम जवाबदेही तय करने के पक्षधर हैं। जिन लोगों ने भी इस प्रकार के घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही तय कराकर अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज कराने से भी पीछे हटेंगे नहीं हम, क्योंकि एक बड़ी घटना है जिसने पूरे प्रदेश को और देश को झकझोर दिया है। इतनी बड़ी संख्या में निर्बल लोगों का इस प्रकार से वध किया जाना, उनकी हत्या किया जाना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और इस प्रकार की घटना पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरी कठोरता दिखाई है। मुख्यमंत्री जी ने पूरे मामले को संजीदगी से लिया है। स्वयं मुख्यमंत्री जी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीजीपी को मुख्यमंत्री साहब खुद क्यों नहीं जा रहे? इतनी बड़ी घटना घट गई है, सीएम को तो जाना चाहिए वहाँ पे। मैं मानता हूँ किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जाने से वहाँ शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होता है और कानून व्यवस्था को चुनौती मिलती है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि वहाँ पर शांति व्यवस्था। आराधना जी, आराधना जी पूछना चाहती राकेश जी आपसे, मैं ये जानना चाहती हूँ कि 17 जुलाई की घटना है, 48 घंटे से ऊपर हो गए, क्या इतने बड़े नरसंहार के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ पे संवेदना व्यक्त करने नहीं जाना चाहिए था? वहाँ की वास्तविक स्थिति को जानने नहीं जाना चाहिए था? अरे वो ना जाते तो कम से कम अपना एक प्रतिनिधि मंडल तो भेज सकते थे। और जब कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी वहाँ पे जो सत्ता दल को करना चाहिए था, अगर हम वहाँ पे गए उन कमजोर लोगों, गरीबों के आंसू पोंछने गए, तो उनको रोक लिया गया गैर संवैधानिक तरीके से, जिम्मेदारी किसकी बनती है? जमीन के विवाद में मैं बहुत बहुत निवेदन के साथ आराधना जी कह रहा हूँ, जमीन के विवाद में जहाँ पर कुछ लोगों की मौतें हुई हो, हत्याएं हुई हो, और जमीन के विवाद में राजनीतिक जमीन तलाशना ये कितना राकेश जी, आपको नहीं लगता है कि इतनी बड़ी वारदात पे प्रतिनिधिमंडल जाना चाहिए था? सीएम को खुद जाना चाहिए था? आपको नहीं लगता ये कोई घटना छोटी मोटी तो घटना है? मैं मानता हूँ ये मसला राजनीति के अवकाश। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जहाँ पर उस अस्पताल जहाँ पे घायलों का इलाज राकेश जी चल रहा है, एक बेड पे दो घायल हैं, जिस कपड़े में वो आए हैं उसी कपड़े में उनका इलाज चल रहा है, गंदे कपड़ों में। ये स्थिति है जिला अस्पताल की जहाँ पे घायलों का इलाज चल रहा है। इससे इस पर क्या कहेंगे? आपकी इस सूचना को मैं निश्चित तौर पर शासन के आला अधिकारियों तक अभी तुरंत पहुंचाऊंगा, टेलीफोन डिस्कनेक्ट होने के बाद। और कौन लोग हैं जो जिन लोगों के द्वारा, जिन अधिकारियों, जिन कर्मचारियों के द्वारा इलाज में लापरवाही बरती जा रही है, अगर वास्तविकता में ऐसे तथ्य है तो उनकी भी जवाबदेही जरूर तय करने का काम किया जाएगा। देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में वर्क कल्चर जिस प्रकार से वर्षों वर्ष में बिगाड़ कर रखा है, हम लगातार उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के द्वारा, मीडिया के द्वारा दिखाई गई किसी भी खबर का पूरी गंभीरता से साथ संज्ञान लेते हैं। मतलब अगर कुछ लोग पीड़ित परिवार से मिले राकेश जी, तो क्या कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी? और खासकर मिर्जापुर में ही अगर मिले तो
सोनभद्र जाने की तो यह बात नहीं हो रही ना। इसके अलग अलग कई उदाहरण में गिना सकता हूं कि कब कहां पर किस तरह की घटनाएं हुई हैं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के जाने से वहां पर माहौल बिगड़ा है। मेरा निवेदन है कि जमीनों के कारोबार से बहुत बड़े घोटालों से जुड़े हुए रॉबर्ट वाड्रा जी की पत्नी प्रियंका वाड्रा जी आज इस जमीनी विवाद में वहां पर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने क्यों जा रही है? वो आखिरकार आराधना जी आपको रुकने दे, राकेश जी मैंगो फेस्टिवल में मंत्री पहुंच सकते हैं लेकिन जो पीड़ित हैं, जो रो रहे हैं, जिनके दर्द है उनका गम बांटने नहीं पहुंच सकते। नहीं, मैंने इस बात को पहले ही कहा, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस पूरी घटना का संज्ञान लेकर के डीजीपी को तुरंत निर्देशित किया है। इस पूरे मामले में 48 घंटे के अंदर आईजी की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ वो शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं। मैंगो फेस्टिवल के लिए टाइम है सरकार के पास, आप क्या चाहते हैं? गरीबों का दर्द बांटने के लिए समय नहीं है राकेश। आप क्या चाहते हैं? प्रदेश ठप हो जाएगा? आप अपने आप इसी बुलेटिन से विज्ञापन हटा सकते हैं क्या? कैसे ठप हो जाएगा? आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसे ठप हो जाएगा? विज्ञापन हटा देंगे क्या? संवेदनाओं का खेल, सवाल 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 चूक गया लग रहा है आपके, तो आपके प्रदेश ठप हो जाएगा? अगर सीएम पीड़ित लोगों से मिलने के लिए जाते हैं तो उसमें ठप होने की क्या बात? आपके लिए संवेदनाएं टीआरपी हो सकती हैं, हमारा प्रदेश रुकेगा नहीं। प्रदेश पूरी चिजिकता के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ, संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा। किसी घटना से प्रदेश रुकता नहीं है। आप चाहते हैं कोई फेस्टिवल प्रदेश रुक जाए? यही तो कह रहे हैं, प्रदेश किस तरफ आगे बढ़ रहा है कि मैंगो फेस्टिवल में मंत्री जा रहे हैं लेकिन गरीबों का और जो है पीड़ितों का दर्द बांटने नहीं जा रहे। मैंगो फेस्टिवल होगा, बिल्कुल मैंगो फेस्टिवल भी होगा और जिन्होंने अपराध किया उन अपराधियों पर कार्रवाई भी होगी आंसू पोषने के लिए। जी आप बने रहिए हमारे साथ दोनों लोग। रणदीप सुरजेवाला इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सीधे लेके चलते हैं।